राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में राजस्थान को जो सबसे बड़ी चुनौती मिली है और जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और इस समय सोचने वाली विवश करने वाली बात है वो राजस्थान की कानून व्यवस्था। शांतिपूर्ण प्रदेश जो हर लिहाज से लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन अब राजस्थान को ग्रहण लगा है, नजर लगी है कानून व्यवस्था को। 8 लाख मुकदमे अपने आप में इसकी वानगी कहते हैं, उस पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने उसको पुख्ता करते हुए जिस तरीके से महिला अपराधों का जो आंकड़ा बताया है वो राजस्थान के लिए शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। 6,337 प्रतिवर्ष ये होने वाला रेप, जिसमें लगभग अनुपात है 17 बलात्कार प्रतिदिन, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का वो शर्मनाक बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि 56% मसले झूठे हैं। आंकड़ों पर मत जाइए, लेकिन क्या उस घटना को झुठलाएंगे जिसमें एम्बुलेंस में भूख से बिलखती हुई कोई महिला रोटी मांगती है और उसकी अस्मत लूट ली जाती है, थाने में बलात्कार की रिपोर्ट करवाने जाने वाली किसी पीड़ित महिला के खिलाफ फिर से थाने में बलात्कार होता है, क्या इसको झुठला देंगे? मुझे लगता है आप आंकड़ों पर न जाएं तो भी हकीकत में जाएंगे तो ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का आज का बयान, उस पर विपक्ष को आरोपित करना ये और ज्यादा हास्यास्पद है। ऐसा लगता है कि पार्टी के भीतर के अंतर्द्वंद और अंतर्कलह और कुर्सी जाने की असुरक्षा ने उनको विचलित कर दिया, इसलिए भरोसा देते बेहतर होता कि कानून व्यवस्था को बहाल करने का, इस बात का भरोसा देते कि मैं ठीक करूंगा, लेकिन विपक्ष को आरोपित करना ये तो मुझे लगता है और भी ज्यादा गंभीर है। वो बंद किया गया है 1.5 साल के अंदर, तो क्राइम कंट्रोल है यहाँ पर, और फिर भी रेप की घटना कौन करता है? बाहर विदेशी आता है क्या? अधिकार घटनाएं करते हैं उस लड़की के कुछ रिलेटिव करते हैं, जान पहचान वाले करते हैं, परिवार के मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही करते हैं अधिकार जगह। नंबर 3, आधा 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और मैं कहना चाहूँगा डीजी साहब खड़े ही मेरे पास में, ऐसे लोग जो झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं उनको मैं छोड़ना नहीं चाहिए, संगीन उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो, लॉजिकल कॉन्क्लूजन जाना चाहिए, जिससे कि और लोग जो हिम्मत नहीं करें बदनाम करने की पुलिस को, राजस्थान सरकार को और राजस्थान प्रदेश को भी। अगर किसी प्रदेश के अंदर ऐसी खबर आती क्राइम बढ़ गया, रेप हो रहा है, ये हो रहा है, तो उससे पूरा प्रदेश की इमेज खराब होती है देश के अंदर। हाँ, अगर वास्तव में अगर सच्चाई है तो उसको आप बोलो, आलोचना करो, हम तो खुश होते हैं, आलोचना से हमें फीडबैक मिलता है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मेरी थ्योरी ये है, मेरी जिंदगी की भी, मेरी व्यक्तिगत भी और मेरी सरकार की भी, कि अगर कोई आलोचना करता है उसको बुरा कभी मत मानो। हाँ, बुरा तब लगता है तब आप बिना तथ्यों के अफवाहें चला रहे हो पुलिस के बारे में, वो बुरा लगता है। अगर आप तथ्य है, सच्चाई है, लाओगे, आलोचना करोगे, हम वेलकम करेंगे, हम उसे सुधार कर लेंगे, तो हम तो इस रूप में चलने वाले लोग हैं। पर जिस प्रकार से बीजेपी के लोग, हमारे जो नेता लोग हैं, इनको लगा कि शानदार बजट पेश हो रहे हैं, शानदार स्कीम आ रही राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान में कई स्कीमें नहीं, वो हमारे यहाँ पे स्कीम है, और उससे घबरा गए लोग। अब घबरा करके जिस प्रकार के कैंपेन चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर।